Dear students, now let's start with exercise 2. In exercise 2, complete the following sentences using reflexive and personal pronouns. And I hope all of you are understood with reflexive and personal pronouns. आपको मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं. अ पर्सनल प्रोनाउन डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग. दीज प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन और नाउंस इन द नेमिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और द टेलिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. और पर्सनल प्रोनाउंस होते कौन से हैं. आई यू ही शी इट दे मी माई माइन हिज हर आर अस देयर इट्स एक्सेट्रा. दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैंने आपको क्या बताया था. वेन अ प्रोनाउन इज यूज टू टर्न बैक द एक्शन टू द सब्जेक्ट इट्स सेल्फ. मीन्स सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका प्रेशर जा रहा है. जो भी बात हो रही है वो खुद सब्जेक्ट के बारे में अपने बारे में ही वो बात कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. इसमें जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ सेल्फ या सेल्फ जो है वो ऐड हो जाता है. तो ये क्या होते हैं जैसे माई सेल्फ हिम सेल्फ इट सेल्फ हर सेल्फ आर सेल्फ देम सेल्फ. दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट सेंटेंस दिस इज माई वर्क. कि ये मेरा काम है. डैश विल डू इट डैश. अब माई मेरी बात हो रही है कि मेरा काम है तो हम क्या लिखेंगे. आई विल डू इट माई सेल्फ. अब आई पर्सनल हो गया माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो गया. सेकेंड दिस डॉग हर्ट डैश विद अ कार. दिस डॉग एनिमल की जब बात होगी तो हम राइट करेंगे इट सेल्फ. दिस डॉग हर्ट itself with a car. Next sentence we will complete dash work dash we. अब we के साथ हमेशा लगता है आर. we will complete our work ourselves. Fourth they dash admitted dash guilt. they themselves admitted their guilt. Fifth, the guest settled dash on the chairs. The guest settled themselves on the chairs. अब यहाँ themselves क्यों आया. guest आप guest एक नहीं मानेंगे chairs क्योंकि chairs पर settle किया उन्होंने तो it means कि guest जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या write किया है themselves. Sixth sentence the teacher taught the class in dash own way. The teacher taught the class in her own way. या आप लिख सकते हो in his own way. कि आप वो जेंट्स के लिए भी हो सकता है मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है टीचर में तो आप यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं. मैंने हर राइट किया है. सेवेंथ आई मेट डैश सिस्टर yesterday. I met my sister yesterday. Eighth sentence. We scored as many runs as dash in the game of cricket. यहाँ क्या write करेंगे हम them. We scored as many runs as them. कि उनकी तरह हमने बहुत से scores जो हैं वो run किए हैं cricket game में. I'm repeating. In first this is my work. I will do it myself. Second, this dog hurt itself with a car. Third, we will complete our work ourselves. Fourth, they themselves admitted their guilt. Fifth, the guest settled themselves on the chairs. Sixth, the teacher taught the class in her own way. Seventh, I met my sister yesterday. Eighth, we scored as many runs as them in the game of cricket.
नाइन्थ सेंटेंस, डैश वॉज प्रेजेंट विद हिज सिस्टर. अब यहाँ हिज की बात हुई तो पर्सनल प्रोनाउन में आप क्या राइट करेंगे, ही. ही वॉज प्रेजेंट विद हिज सिस्टर. टेंथ, आई हर्ट डैश इन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड. आई आ गया तो आई से क्या लिखेंगे हम, माई सेल्फ. आई हर्ट माई सेल्फ इन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड. इलेवेंथ, आई एंड डैश फ्रेंड कंप्लीटेड आर वर्क आर सेल्फ आर वर्क डैश. आई एंड माई फ्रेंड कंप्लीटेड आर वर्क आर सेल्स. ट्वेल्थ, डैश सो अ स्नेक इन द गार्डन. अब आप यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं, आई सो अ स्नेक, ही सो अ स्नेक, शी सो अ स्नेक और दे सा अ स्नेक इन द गार्डन. थर्टींथ, कैन डैश सिंग लाइक डैश. कैन शी सिंग लाइक हिम, यहाँ पे भी लिख सकते हो कैन शी सिंग लाइक हर. कैन आई सिंग लाइक हिम. फाइन. नेक्स्ट, बर्ड्स बिल्ट डैश नेस्ट्स इन ट्रीज. बर्ड्स बिल्ट देयर नेस्ट्स इन ट्रीज. लास्ट सेंटेंस, डैश एंड डैश हैव गोन फॉर अ पिकनिक. ही एंड आई और शी एंड आई और दे एंड आई, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, हैव गोन फॉर अ पिकनिक. आई एम रिपीटिंग. नाइन्थ सेंटेंस, ही वॉज प्रेजेंट विद हर सिस्टर. टेंथ, आई हर्ट माई सेल्फ इन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड. इलेवेंथ, आई एंड माई फ्रेंड कंप्लीटेड आर वर्क आर सेल्व्स. ट्वेल्थ, आई सा अ स्नेक इन द गार्डन और ही सा अ स्नेक इन द गार्डन और यू कैन राइट शी और दे सा अ स्नेक इन द गार्डन. थर्टींथ, कैन शी सिंग लाइक हिम और यू कैन राइट कैन आई सिंग लाइक हिम. फोर्टींथ, बर्ड्स बिल्ट देयर नेस्ट इन द इन ट्रीज. फिफ्टींथ, ही एंड आई हैव गोन फॉर अ पिकनिक. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर एक्सरसाइज टू. होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.